हेलो गाइस, तो स्वागत है आज मेरे इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप फेसबुक में अपना एक्टिव स्टेटस है जो वो कैसे ऑफ़ कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, चलिए मान लेते हैं कि आप रात को ऑनलाइन रहते हैं, आपके घर में मम्मी हो या पापा हो, वो फेसबुक के आपके लास्ट सीन को देख लेते हैं या एक्टिव स्टेटस को देख लेते हैं कि आप ऑनलाइन हैं फेसबुक पे, तो वो आप ऑफ़ कैसे कर सकते हैं। तो यह बहुत ही सिंपल सा बात है भाई, आपको वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लास्ट तक देखना है, वो भी बिना स्किप किए हुए। हमारा जो चैनल का जो एम है, हमारे चैनल का हमारा जो एम है वो है आपके लाइफ को सिंपल और इजी बनाना। इसीलिए हम हर वीडियो में 3 मिनट के अंदर ही फेसबुक प्रॉब्लम का सॉल्व बता देते हैं और आपको इसलिए हम बताते हैं क्योंकि आपका लाइफ को सिंपल और इजी बनाना हो। और भाई सिंपल एंड इजी, आपको भी कोई भी फेसबुक रिलेटेड प्रॉब्लम हो या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है फेसबुक प्रॉब्लम नाम का, आप वहाँ पे जाके अपनी हर प्रॉब्लम को देख सकते हो, किस किस प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हो वो आप सॉल्व कर सकते हो। तो भाई ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगा आपको, हम लोग चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं दो चीज़ करना है भाई लोग, पहले तो वीडियो को लाइक करना है, लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है, इससे हमें पता चलता है कि हमारे वीडियो को किन किन लोगों को पसंद आ रही है। और सेकंड काम है सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पे सेट करना कि हमारी हर घंटे घंटे आपके पास हमारे वीडियो जाते रहे, नोटिफिकेशन जाते रहे। तो भाई हम लोग अपना शुरू करते हैं वीडियो। वीडियो शुरू करने के बाद भाई देख सकते हो आप अपना फेसबुक पे क्लिक करोगे, फेसबुक ओपन करोगे। जैसे देख सकते हो मैं फेसबुक ओपन करता हूँ। फेसबुक ओपन करने के बाद भाई साहब ये इस टाइप का इंटरफेस आएगा, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको 3 डॉट पे जाना है। देख सकते हो मैं 3 डॉट पे जाता हूँ, आपके पास इस टाइप का इंटरफेस आएगा। आपको ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं करना है, स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद भाई यहाँ सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक करना है। आप जैसे सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक करते हो उसके बाद आपके पास इस टाइप का इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग में आप जैसे ही क्लिक करते हो उसके बाद आपके पास इस टाइप का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद भाई यहाँ देख सकते हो एक्टिव स्टेटस यहाँ देख सकते हो आपका लिखा हुआ है। सबसे लास्ट में एक्टिव स्टेटस है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्लिक करना है एक्टिव स्टेटस। उसके बाद सी व्हेन यू आर एक्टिव, ये मैं एक्टिव ऑन करके रखा था, देख सकते हो भाई सी यू वेयर योर एक्टिव। यहाँ देख सकते हो भाई ऑन भी कर सकते हो, देख टर्न ऑफ ऑन भी कर सकते हो भाई। यहाँ आप देख सकते हो आपको जिस तरह के रखना है भाई, इनेबल डिसेबल सब कर सकते हो भाई। और भाई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो कि हमारी हर अपडेट आपके पास पहले पहुँचे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।